तो मुझे आप ये बताएं कि आप दोनों गेम डेवलपर कैसे बने? सिंपल आंसर, पैशन का ओरिजिन क्या है, किस तरह से आप इस पोजीशन पर आए? मेरा तो वही सीन है जो सारों के साथ होता है, बचपन से गेम खेल खेल के फिर आइडिया आता है कि कैसे बनना है, कैसे गेम बनी, ये वो। और फिर शुरू तो मैंने वेब डेव से स्टार्ट किया था 8th क्लास में। उसके बाद 2 साल 1.5 साल मैंने किया उसके अंदर। उसके बाद फिर एंड्रॉयड में चला गया 1 साल वहाँ पे। उसके बाद फिर गेम डेव शुरू की। और ये मैंने हाँ पिछले साल शुरू में की, स्टार्ट में की थी उसके। और बस नहीं तो वेब डेव से मतलब एक होता है ना कि वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, वेब डेवलपमेंट अच्छी नहीं लगी तो गेम डेव में आ गए। डेव अच्छी नहीं, मेरा ये था कि मैंने सीखना है कुछ। अब वो सीख लिया तो अब फिर उसे थोड़ा सा मन भर गया वहां से लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आया। फिर मैंने कहा आगे कुछ ट्राई करते हैं। एंड्रॉयड डेव में गया, उसमें भी 2-3 ऐप्स बनाई थी, उसमें भी इतना मजा नहीं आया। फिर गेम डेव में आया तब यहाँ पे मजा आने लगा था। फिर मैंने कहा ये स्टार्ट करो। तो शीरा आपका क्या सीन था? मैं गेम डेव को इस तरह नहीं, मतलब मेरा शौक था पहले से कि गेम बनती किस है, लेकिन आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं इस तरह का से किया था। तो मैं फिर शुरू से ये एडोब प्रीमियर प्रो और वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग इन चीज़ों में लग गया था, पर वही मतलब इंटरेस्ट नहीं बना, मज़ा नहीं आया। फिर अमार ने मुझे इस कोर्स का बताया था एक गेम डेवलपमेंट के बाद, फिर वो उसने परचेस किया और फिर वो और मैं जब शेयर करने लगे तो मेरा भी इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ा। और अब फिर मैंने 3D मॉडलिंग भी स्टार्ट की थी, वो मैंने गेम डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट की थी। उसमें भी मेरा इतना नहीं था सही, तो फिर मैं अब एक पिक्सल आर्टिस्ट हूँ, हाँ पिक्सल आर्ट की तरफ आया हूँ। और आर्ट तो मुझे शुरू से ही पसंद था, तो मैंने कहा मैं गेम डेव की फील्ड में अपना आर्ट प्रेजेंट करूँ।